News 18, India. बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार बनने वाली है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी के बीच में समझौता हो चुका है। समझौते के तहत नवाज शरीफ की पार्टी के प्रमुख शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जबकि बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से। सीतामढ़ी की सभा में पहुंचने से ठीक पहले मंच ही टूट गया। आनंद फानंद में आयोजकों ने जुगाड़ वाला मंच बनाने की तैयारी कर ली। आपाधापी के बीच तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा सीतामढ़ी पहुंच गई। मंच टूट चुका था, इसलिए तेजस्वी ने बस से ही लोगों को संबोधित किया। उन्होंने पहले देसी अंदाज में सर पर हरा गमछा बांधा और फिर भाषण दिया और चुटीले अंदाज में नीतीश पर हमला किया। सीतामढ़ी में हुई इस सभा में आरजेडी के अलावा कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए और बिहार में महागठबंधन की ताकत दिखाने की कोशिश की। तेजस्वी की ये यात्रा नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के कुछ दिनों बाद ही हुई, इसलिए इसे आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन माना गया। अपनी इस यात्रा में तेजस्वी बिहार के 30 से ज्यादा जिलों का दौरा करेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर से की और इसके लिए पूजा पाठ करके घर से निकले। तेजस्वी ने पटना में अपने घर पर शिवलिंग का अभिषेक किया, फिर साईं प्रतिमा के आगे पूजा की। इसके बाद उन्होंने गाय को अपने हाथ से खाना खिलाया। इस दौरान तेजस्वी के माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी उनके साथ रहे। पूजा पूरी होने के बाद तेजस्वी ने उनका आशीर्वाद लिया। यही नहीं, वो नीतीश सरकार पर निशाना साधना नहीं भूले। नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं है, ना ही गठबंधन बनने का कोई रीजन है। पूजा पाठ के बाद तेजस्वी ने अपनी बेटी के साथ समय बिताया। वो उसके साथ खेलते और उसे पुचकारते नजर आए, क्योंकि कुछ दिनों के लिए तेजस्वी अपने घर और बेटी से दूर रहने वाले हैं। और बेटी के साथ खेलकर तेजस्वी ने वो कमी पूरी करने की कोशिश की। अभी तो ढूंढती रहती है पापा को, अभी 4-5 दिन तो बाहर जा रहे हैं तो बच्चों का शौक होता है। अपनी जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी बिहार के 30 से ज्यादा जिलों का दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा की तैयारी में आरजेडी पिछले कई दिनों से जुटी हुई थी, क्योंकि इस यात्रा को बिहार में आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर पहुंचे तेजस्वी ने यात्रा का आगाज भी इसी अंदाज में किया और MY के बाद BAAP समीकरण देते हुए आरजेडी को हर समुदाय की पार्टी साबित करने की कोशिश की। हम कहना चाहते हैं माइक के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। लेकिन तेजस्वी के इस नए बयान पर BJP ने तंज कस दिया। एवर्वेशन के खेल में वो कुछ भी क्लियर करें, लेकिन ये स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल उनके माई बाप की ही पार्टी है। मुजफ्फरपुर में बोलते हुए तेजस्वी ने बताया कि BAAP बाप में बी का मतलब बहुजन, पहले ए का मतलब अगड़ा, दूसरे ए का मतलब आबादी और पी का मतलब पुअर यानी गरीब है। लेकिन इस बयान पर तेजस्वी की यात्रा के पहले ही दिन सियासी पारा चढ़ गया। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। इस बिल में मराठा समुदाय के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इस बिल को महाराष्ट्र के विधान परिषद में पेश किया गया। राज्यपाल की मुहर के बाद ये बिल कानून बन जाएगा और कानून बनते ही आरक्षण के लिए लंबी लड़ाई। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी आज दिल्ली कूच करेंगे। आंदोलनकारी आज शंभू बॉर्डर के साथ खनौरी बॉर्डर से भी दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए आंदोलनकारी बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। रात से आंदोलनकारी बैरिकेड तोड़ने के लिए अपने साथ बड़ी बड़ी मशीनें भी लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच पंजाब के DGP ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि पंजाब के DGP ये आदेश दे चुके हैं कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी गाड़ियों और मशीनों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पुलिस निर्देश दे रही है कि इन मशीनों को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ले जाने से रोका जाए। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए किस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी मशीनों के साथ ये सभी पहुंच रहे हैं। JCB है इनके पास में, क्रेन्स हैं इनके पास में और तो और
आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए भी अपने साथ मशीनें लेकर आए हैं, पतंगबाजों को आगे रख रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का अगर ड्रोन उड़ाया जाता है तो ये उससे भी बच सके, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इस बार ये बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। बैठक हुई लेकिन सभी बातचीत फेल रही, किसान कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं है। 5 फसल जिन पर MSP तय कर दी गई कि बढ़ा दी जाएगी या चीजें कर दी जाएंगी, लेकिन वो इस पर नहीं माने हैं। उनका कहना है कि जो हम फसलें बता रहे हैं सभी पर आप विशेष सत्र लाइए और कानून बनाइए MSP पर। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पंजाब के DGP को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर बड़ी और हेवी मशीनों को ले जाने पर रोक का आदेश आखिर जारी करना पड़ा क्यों। इसके पहले हरियाणा के DGP ने पंजाब के DGP को एक पत्र लिखा था और गृह मंत्रालय का पंजाब के मुख्य सचिव को, इसके बाद हमने देखा कि कैसे निर्देश भी जारी किया गया, आग्रह किया गया था बाकायदा। और देखिए हरियाणा के DGP ने बड़ी मशीनों के बॉर्डर पर पहुंचने से कानून व्यवस्था के खराब होने का हवाला दिया। इसके साथ ही बॉर्डर पर तैनात पुलिस कर्मियों की जान को खतरा भी बताया गया। और इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने भी पंजाब के मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की थी। पंजाब के मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था खराब करने वाले उपद्रवियों पर एक्शन लेने के लिए कहा गया था। बस इसी के बाद पंजाब के DGP के आदेश आया और पंजाब साथ ही हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी और हैवी मशीनों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है। और हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी दिल्ली कूच की रणनीति तैयार कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे आंदोलनकारी हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए JCB लेकर आ रहे हैं, हाइड्रोक्लोनिक क्रेन लेकर आ रहे हैं, ऐसी ऐसी हैवी मशीनरीज के साथ पहुंच रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पहला मिलिट्री फोर्स भी अलर्ट हो गई है। शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के गार्डर, कंटीली तारे बिछा दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से इन सभी को रोका जा सके। और पुलिस ने 8 दिनों से आंदोलनकारियों को वहीं रोका हुआ था, लेकिन अब ये फिर से दिल्ली कूच का आह्वान कर रहे हैं और इस बार बड़ी तैयारी के साथ आते दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात भर से ही वहां पर आंदोलनकारी इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों को रोका गया, बैरिकेड तोड़ने की इनकी तैयारी। और किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला केंद्र से हुई मीटिंग के बाद लिया है। केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी कि 5 फसलों पर MSP देने का प्रस्ताव दिया था। किसानों ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि पेज आखिर फंसा हुआ कहां पर है। देखिए सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की और बातचीत से समस्या का समाधान निकालने की बात भी कही। MSP गारंटी वाला कानून जिसके ऊपर सहमति अभी नहीं बन पाई है, हालांकि 5